मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सिंधिया जब बीजेपी में गए थे तो उनके साथ 65 पदाधिकारी गए थे, लेकिन अब हालात यह हो गई है कि सिर्फ 7 पदाधिकारियों के पास पद रह गए और बाकी 56 लोग सड़क पर घूम रहे हैं। इसलिए सिंधिया को उन 56 लोगों की चिंता करना चाहिए, उन्हें कांग्रेस की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वह जहाँ है वहाँ की चिंता करनी चाहिए। हमने समझे लगभग कई लोगों ने उनके साथ काम किया है। चिंता मत कर, तेरे भविष्य की मेरी गारंटी। कई लोगों को इसमें से जितने यहां है उनको बोला होगा, मैं ध्यान रखूंगा ना, देखता हूं। ये शब्द तो कई बार सुने होंगे, जब सरकार जीत रही थी पूरी घटना आपके मस्तिष्क पटल पे होगी। जब सरकार जीत रही थी तो जो विधायक इधर उनके साथ गए, जो जिला अध्यक्ष गए, मैं उन चूंकि कांग्रेस ही थे तो हम बात कर रहे थे। जहां मत यार थोड़े दिन में जिस जैसे भी भावनात्मक एक रिश्ते होते हैं बातों के, तो वो कहते थे सिंधिया जी ने कहा है कि मैं तेरे भविष्य का ध्यान रखूंगा। ऐसे ये भी हमारे महापौर जी कह रही थी कि कुछ हो जाए इधर उधर की बात नहीं हो सकती, मेरे ससुर मेरा परिवार जिसके अंतर मन में कांग्रेस थी, रोज अखबारों में कुछ न कुछ आता है, अलग अलग तरह की बातें होती है, पर उनके मुंह से उन्होंने उनकी जबान से जो बोला वो अखबार भी सुने और मध्य प्रदेश का आवाम भी सुने। मैं अनुरोध करना चाहता हूं जितेंद्र सिंह जी, जिन लोगों को सिंधिया जी ने यह कहा कि चिंता मत कर मैं तेरे भविष्य का ध्यान रखूंगा, मैं उनका जरा नाम पढ़ना चाहता हूं। आप ये बताओ, शिवपुर के ब्रजराजी चौहान वहां के अध्यक्ष थे, आज कितना है राजनीतिक रूप से गायब है। रघुराज कंसाल मुरैना के विधायक थे, मंत्री थे, विधायक थे, आज कितना है। हमारे गिरिराज गंडोतिया पहली बार टिकट मैंने दिलाया था, ठप्पा आदरणीय सिंधिया जी ने मारा, यूथ कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष था, आज कितना है। कमलेश जाटव, राकेश मावई पहले आए थे तो विधायक बने, अब हट गए तो वापस चले गए, अब कहां रहेंगे ये समय बताएगा, जैसे राज्यपालों का बताए। सतप्रकाश जी सकवार, उमेश सिंह जी बना, रमेश दुबे जी, ओपीएस भदौरिया, रणवीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी, इमरती देवी सिंधिया छाप कांग्रेस में, कांग्रेस में सिंधिया छाप चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिंधिया छाप कौन सा कांग्रेसी का, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस में, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए चाहे सिंधिया जी के साथ गए या किसी और के साथ गए वो उधर चले गए। हमारे पार्टी के अंदर और हमारे परिवार, हमारे कांग्रेस परिवार के अंदर किसी का छाप नहीं है। जो छाप है वो हाथ का निशान का छाप है और देश की भावना का छाप है। ममता बनर्जी ने कहा 50 सीटें नहीं ला पाएंगे, आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? धन्यवाद। पटवारी ने सिंधिया को नसीहत देते हुए कहा कि वह जहां हैं और जिनको अपने साथ लेकर गए थे उनकी चिंता करें कि वे किस हाल में हैं। पटवारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि 100% युवा चेहरे दिखेंगे। राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही समन्वय समितियां जिलेवार और संभागवार तैयारी करेंगी। जीतू बोले, ग्वालियर और चंबल की जनता ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले दलबदलुओं का हश्र देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के भविष्य की गारंटी ली और सभी को बीजेपी में ले गए, लेकिन वो सब आज कहाँ हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया आज खुद तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनके साथ बीजेपी में जाने वाले 99% नेताओं का राजनैतिक भविष्य समाप्त हो चुका है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता आज नेपथ्य में भी नजर नहीं आ रहे, गुमनामी का शिकार हो चुके हैं। जिन्होंने कांग्रेस को अपनी मां बताया और बीजेपी में चले गए, ऐसे मौ बदलने वाले सत्तालोलुप नेताओं को जनता ने माफ नहीं किया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह रविवार को ग्वालियर पहुंचे थे और यहां उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के पदाधिकारियों की बैठक ली थी। इसके बाद प्रेस वार्ता भी ली थी और प्रेस वार्ता के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में युवाओं को 100% मौका दिया जाएगा। जीतू पटवारी ने दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अधिक से अधिक युवाओं को वोट देगी और नए चेहरे इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालते हुए दिखेंगे। इस बैठक में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह यादव, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, विधायक सतीश सिकरवार, साहेब सिंह गुर्जर सहित वरिष्ठगण व युवा साथी उपस्थित थे। बैठक सिटी सेंटर स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई थी। पार्टी छोड़कर जाने के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा, जो जहां जाना चाहता है स्वतंत्र है, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है, जो यहां है वो कहीं नहीं जाने वाला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, चारों लोकसभा सीट जीतेंगे। भाजपा द्वारा प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के दावे पर जीतू पटवारी ने इसे मतदाता के मत का अपमान बताया। सिंधिया छाप कांग्रेसियों के बारे में पार्टी की रणनीति के सवाल पर प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता पर या नेता पर किसी की छाप नहीं है, जो यहां है वो कांग्रेसी है और उस पर सिर्फ पंजे की छाप है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सिंधिया छाप कौन सा कांग्रेसी का, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस में है, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, चाहे सिंधिया जी के साथ गए या किसी और के साथ गए, वो उधर चले गए। हमारे पार्टी के अंदर और हमारे परिवार, हमारे कांग्रेस परिवार के अंदर किसी का छाप नहीं है। जो छाप है वो हाथ का निशान का छाप है और देश के भावना का छाप है। धन्यवाद।